अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ब्रो? इतनी लेट नाइट, खैरियत थी? पता नहीं यार। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक जबरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। लेट नाइट हो गई है, तकरीबन रात का टाइम क्या हुआ है, 10 बज गए और सावन आया। सावन ने मुझे कॉल की थी क्योंकि आज ना हमारे गांव में मिलाद है, गली में हम जा रहे हैं, फुल अंधेरा है। अभी हम ना मिलाद पर ही जा रहे हैं। कितने बजे तक है मिलाद? वैसे मिलाद जो है ना लेट नाइट ही चलता है, ऐसे ही है ना। आपको पता है रबी अव्वल का महीना स्टार्ट हो गया, तो महफिल मिलाद वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, हर गांव और शहर हर जगह होते हैं। तो यहाँ भी एक मिलाद अरेंज किया गया, तो उधर ही चलते हैं। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं, सुन के भी आते हैं तो साथ में व्लॉग भी बन जाएगा और आपके साथ सारी रूटीन भी शेयर हो जाएगी। गली में भाई कोई स्ट्रीट लाइट्स तो होती नहीं है यहाँ पे, गांव में, शहरों में भी इतनी खास नहीं होती। तो गुजारा करना पड़ेगा। माशाल्लाह काफ़ी ना प्यारी अरेंजमेंट्स की गई हैं। अच्छा गाइस, तो महफिल मिलाद से हमने हो लिया है, काफ़ी टाइम हम बैठे रहे, तकरीबन टाइम क्या हुआ है, 11 बजने लगे हैं, एक घंटा हमने सुना है, बहुत है, अभी बस घर चलता हूँ। तो मैं आ गया हूँ जी वापस घर और तकरीबन हम बैठे रहे हैं काफ़ी टाइम, घंटा लाइट चलती है ना तो वो आने लग जाते हैं भमरे से, घंटा डेढ़ हम बैठे रहे हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा माहौल था वहाँ पे महफिल का, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो अब रबी अव्वल का महीना स्टार्ट हो गया तो काफ़ी ज़्यादा मिलादें वगैरह भी होंगी, तो अभी तो गेट खटका रहा हूँ, सब लोग सोए हुए होंगे, ताकत जाग रहा होगा तो उसी ने दरवाज़ा खोलना है। हाँ सो गए थे, बस एक आँख लगी है, एक खुली है, घंटे से मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ। महफिल में मैं ना स्पीकर के बिल्कुल सामने बैठा था, मेरा ये कान स्पीकर की तरफ था और अब ना मतलब घर आ गया ना तो ऐसे ची ऐसे मेरे कान में हो रही है बहुत ज़्यादा, अब पता नहीं है कब ठीक हो, तब बहुत ज़्यादा स्पीकर की आवाज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा, तो जो पास में बैठ जाए ना वो फंस जाता है। बस मैं बैठ तो गया था, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बैठा रहता हूँ, अभी ऐसे ऐसे को थोड़ी किया है तभी कुछ नॉर्मल हो रहा है। अभी जो है ना मैं ब्रश वगैरह कर लेता हूँ, फेस वॉश कर लेता हूँ और फिर मैं इंशाल्लाह सोने की तैयारी करूँगा। 11 बज गए हैं, 11:30 तक आई एम सून, तो मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो भाई दूसरा दिन हो गया जी स्टार्ट, बस अभी सुबह सुबह ही ना फ्रेश वाले गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ आपको। अभी तकरीबन 7:30 का टाइम हुआ है और गाड़ी से कपड़ा उतारा है, इसको सारा साफ़ सुथरा किया है, अभी निकालने लगा हूँ इसको बाहर, कहीं जाने लगा हूँ, कहाँ जाने लगा हूँ आपके साथ सारी रूटीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले गाड़ी निकाल लेता हूँ और फिर बाकी की बातें, टाइम थोड़ा सा लेट हो रहा है तो जल्दी भी है। हाँ जी गाइस, तो भाई इधर ऑन भी आ गया और पीछे आप जानते ही हैं सावल भी आ गया और हम सब निकल चुके हैं जी घर से, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे पता नहीं है। अच्छा मैं ही बता देता हूँ, एक तो बताते ही कुछ नहीं, सारा कुछ मुझे ही बताना पड़ता है। अभी हम जा रहे हैं जी जंग, जंग को आप कुछ लोग जानते होंगे, हमारा डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे हमें कुछ काम है और घर पर आपको बताऊँ तो नाश्ता भी मैंने बिल्कुल नहीं किया हुआ क्योंकि फैमिली जो है ना हमारी सारी गई हुई थी, एक फौत की हो गई है, उधर चले गए थे, रात को ही चले गए थे, ये नहीं कि नाश्ता नहीं बना के गया सुबह गए हों, गए रात को ही चले थे, तो इस वजह से नाश्ता तो मैं नहीं कर पाया,
तो इसमें से ना मैं सुबह सुबह ही निकला है, मैंने चलो सोचा कि उधर से नाश्ता भी कर लेंगे। हाँ तो वो तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, पहुंचने दे बस। आज वहाँ पे एक फेमस होटल है जिगर के चने, मुर्ग चने, वो खाएंगे हम। अभी हम रुके थे जी ATM पैसे निकलवाने के लिए, ऑन भी निकलवा रहे हैं, मैंने भी निकलवाने हैं। मेरा प्लान बन रहा है कि अगर सिटी में शॉप खुल जाएंगी ना, खुल जाएंगे, तो प्लान है कि मैं थोड़ी बहुत ना शॉपिंग कर लूँ, कोई शर्ट्स वगैरह खरीदूँ या कोई पैंट वगैरह या शायद कोई सलवार कमीज कुर्ता सिला सिलाया खरीदूँ। ये ना बिल्कुल रोशनी पड़ रही है, नज़र ही कुछ नहीं आ रहा स्क्रीन पे, हो क्या रहा है। तो आज हम फिर से ना मोटरवे से जा रहे हैं क्योंकि ना सफ़र थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाता है लेकिन आरामदायक होता है और जल्दी हो जाता है, रोड सारा ठीक है। अगर हम मतलब बाईपास से जाना तो थोड़ा सा रोड भी ख़राब है और टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, टाइम ऑलमोस्ट दोनों तरफ से सेम ही लग जाता है, लेकिन ये है कि मोटरवे का सफ़र आपको पता है कम्फर्टेबल होता है और बंदा तेज़ तेज़ जाता तो फील नहीं होता टाइम गुजरता हुआ। हाँ जी गाइस, तो मोटरवे से हम उतर गए हैं और सांवल ने मुझे अभी बताया कि उसका ना इंटरव्यू है सिटी में जंग में, तो उसी के लिए जा रहे हैं। पहले तो ये मुझे बताता रहा कि बस काम है काम है काम है, तो मैंने कहा चलो काम ही है, है तो काम ही, लेकिन भाई लड़का जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है तो ये इंटरव्यू देने जा रहा है और हम इसका इंटरव्यू दिलवाने जा रहे हैं। अभी थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। कितने बजे है, कोई आइडिया है? इंटरव्यू 10 बजे तक, 10 बजे तक इसका भी इंटरव्यू है। और कितनी देर हमें इंतजार करना पड़ेगा? देखो कितना टाइम लगता है, वहाँ घंटा लगेगा। जल्दी बस एवं ना जल्दी जल्दी उनको कहना है कि बस 5 मिनट में मेरा इंटरव्यू लो, या नौकरी देनी ताइम दास छोड़ो, नहीं देनी ताइम दास छोड़ो, हाँ रोला खत्म करो। तो इंशाल्लाह भाई लड़के का टाइम बस होने ही वाला है, तो हम थोड़ा सा ना वीडियो कम बनाते हैं और सिटी पहुँचते हैं ताकि ना ये अपना इंटरव्यू टाइम तो दे सके, हम भी इंशाल्लाह कभी ना कभी ज़रूर देंगे। हम सिटी गए हैं जी पहुँच, और इस गली में जाना है जी सवाल है, हम तुम्हें यहीं पर सी ऑफ करते हैं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा इंटरव्यू दे के आना और वापसी पे ना हमें कोई अच्छी खुशखबरी सुनाना, ये ना होगा सीधा जवाब लेके हम इधर ही इंतजार करते हैं, ठीक है? आगे गाड़ी तो जाएगी नहीं, गाड़ी हम साइड पे लगाते हैं, तो इधर ही हम बैठ के इसका वेट करते हैं। इस गली में आगे इसने जाना है, ये वाला जहाँ से रिक्शा आ रहा है, तो वहाँ से वापस का टर्न नहीं है, तो इस वजह से ना हम यहीं पर वेट करते हैं। देखिए तकरीबन आधा घंटा हो गया ये पेट्रोल पम्प के पास बैठे हुए हैं, कि लड़का आ जाता है, अभी तक आ नहीं रहा यार, उसको कोई मैसेज वूसेज तो करके पूछ तो सही कि क्या सीन है, ये लोग अभी नौकरी ना करने बैठ जाओ। हाँ जी, तो भाई लड़का आ गया, सुनाओ भाई जबरदस्त, क्या कहते हैं, कोई टाइम दिया या? नहीं टाइम दिया, बस सिटी से बताया उन्होंने 18,000 जंग, जो आपने ज्वाइनिंग करना है मतलब जहाँ भी ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। कौन कौन सी सिटी बताए? 18,000 बस, यहाँ तो फिर आना जाना रोज का मुश्किल है, मुश्किल है वो डेली आना जाना, तो देख रहे हो ना कितना मुश्किल है। चलें फिर अभी कुछ खाना खाते हैं, खाना नहीं सॉरी नाश्ता करते हैं। चलें जी, लड़के का भाई इंटरव्यू तो हो गया, अब इसका डिसाइड यही करेगा, जगह उन्होंने ना बड़ी अजीब सी बताई है, तो रोज का आना जाना ना काफी मुश्किल होता है। हाँ जी गाइस, तो अभी हम आए हैं जी होटल पे, यहाँ से हमने करना है जी नाश्ता, ऑर्डर वगैरह सारा कुछ कर दिया, फिर आपको दिखाते हैं। लास्ट टाइम हमने यहाँ से किया था तो हमें ना नाश्ता बड़ा पसंद आया था, तो इस बार फिर हम ना उसी होटल पे आए हैं, नाम भी जिगर है, तो जिगर का टुकड़ा खिलाएंगे। लाइट भी माशाल्लाह चली गई है, तो अभी कुछ चलाएंगे, कोई बैकअप सिस्टम होगा इनके पास। सबसे पहले ये देख के जाते हैं, ये अचार, ये प्याज, ये साथ में रायता, आमलेट भी ला दीजिएगा, तो पराठे भी हमारे आ गए हैं, ये साथ में चिकन चने, मुर्ग चने कहते हैं जिनको। अभी हमारे रह गए हैं जी आमलेट, मेरे तो भाई देख के सच बता रहा हूँ मुँह में पानी आ रहा है, क्या लच्छा पराठा, साथ में मुर्ग चने, साथ में रायता, साथ में आमलेट, वाह वाह वाह। मुँह में पानी आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चने लगे थोड़े से थे, एक और बार ट्राई करूंगा ना तो अच्छी फील आने लग जाएगी। कहते हैं लाहौर के चने खाने हैं ना तो उनमें उंगलियां डुबो के नहीं ना खाई तो मज़ा नहीं आया, शोरबे वाले चने। नाश्ता वगैरह हमारा हो गया था, चाय वगैरह भी पी ली थी, अभी हम इधर रुके थे ये डाइनर्स पे। मैं सोच रहा था कि ना मैं अपने लिए कुछ कपड़े ले लूँ, लेकिन ये ना कह रहे हैं कि अब रहने दो गर्मी है, बताओ यार क्या करूँ, ना लूँ फिर चक्कर लगा लेंगे, फिर कब लगाऊंगा, दो
ये अब कह रहे हैं कि फिर चक्कर लगा लेंगे फिलहाल ना लो। वैसे मेरा भी ना प्लान बन भी रहा है और नहीं भी बन रहा। कह रहे हैं कि अब रहने तो लेट हो रही है और गर्मी वाकई यार इधर तो शहर में तो गर्मी लग रही है। तो चलें जी कोई बात नहीं, पेट पूजा हो गई है फिलहाल वही बहुत है, अभी निकलते हैं इंशाल्लाह। यहाँ बारिश भी हुई है ना तो सारी कीचड़ रोड पे। ये कह रहा है कि फिर आना, फिर आएंगे, आना नहीं आएंगे ना इंशाल्लाह। चल ठीक है, जा ही रहे थे तो सामने मुझे जे डॉट पे नजर आ गया। अब इधर रुक जाए यार, तू कोई देख ले, कोई फैब्रिक शैब्रिक देख लेते, अनस्टिच देख लेंगे। यार तू ना मुझे लेने ना दे, ये दोनों ना अब जान छुड़वा रहे हैं कि किसी तरह घर पहुंच जाए। फिर आएंगे, चल अकेला बंदा शॉपिंग करता अच्छा भी नहीं लगता। ये दोनों गोली करवा रहे ठीक है मर्जी फिलहाल भाई, घर चलो। ये इधर सामने भाई लेके फिर रहा है जी ऊंट, चेक करो। हम ही रुक जाते हैं, वो बिल्कुल ना झाड़ी से खुद ही खा रहे हैं, इनको तोड़ के खिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। चेक करो, कई जमाने में ये बहुत ज्यादा होगा, टांग ही ना मार दे गाड़ी को इतनी लंबी लंबी। ओए एक ही लगनी है शीशे से पार हो गए कसम से। ये ना गाड़ी के आगे छोटा सा डॉग का बच्चा भाग रहा है और वो ना बिल्कुल आगे आगे भाग रहा है। हमारा जो लेग्जी है उससे तो बहुत ही छोटा, लेकिन कितनी तेज तेज भाग रहा है। चेक कर, ओए ये आगे, ओ फिर आगे आगे गाड़ी के आगे आ जाता है पता नहीं। देखी हटा यार उसको, गुजरे हैं यहाँ में नीचे आते ही वो ना गाड़ी के आगे बैठ गया कहीं। हाँ एक मिनट गया वो ना कहीं ये एक मिनट रुक जा मुझे गुजारने दे, फिर बाकी ना गया वो उतर गया नीचे। पता नहीं जिंदगी से तंग था ये क्या मसला है, उसकी माँ उसे छोड़ गई जिस तरह से हमारी बिल्ली ने ना बच्चों को मार दिया था उसी तरह से ना ये भी, वो ना बेचारा सुसाइड करने सड़क पे आया। बड़ी मुश्किल से हटाया, अल्लाह ना ही हट जा साइड पे, हटाते मर जाना पक्का मर। हाँ वही ना, क्योंकि बिल्कुल हम रुक गए नहीं तो बिल्कुल टायर के आगे बैठ गया था। टाउन हम वापस पहुंच गए थे और अभी मैंने बस मुबशर के स्कूल के बाहर आया था, भाई मुनव्वर की कॉल आई थी कि मुबशर को भी लेते आना और अम्मा का फरमान भी आया था कि ना सालन भी लेते आना, तो सालन मैंने ले लिया और मुबशर को बस छुट्टी होने वाली है, 5 मिनट रह गए तो उसे लेके फिर इंशाल्लाह वापस घर चलेंगे। हाँ जी आ गई हैं, ये सालन भी है, मुबशर को भी ले आया हूँ। भाभी नहीं आई, भाभी नहीं आई, दूसरा कौन था बेटा वो बड़े वाला? हाँ, बेटा उसको क्या हुआ? अल्लाह माफ करे, उसने मोशन थे उल्टी। अच्छा, पानी की कमी हो गई, डॉक्टर को सीटी दाखिल कराया। अच्छा। और मैं घर आ गई, मैं घर भूखे प्यास से बैठी, उसे मैं रोटी खाने को हर्ष है। अल्लाह हाँ, मैं गया था दोस्त के साथ, उसका काम था, जो इंटरव्यू था उसका, तो उसने कहा था कि मेरे साथ आना, उसी के साथ गया था। कपड़े लेने थे मैंने के ले के आऊंगा उधर से ना कोई, उन्होंने फिर लेने नहीं दिया, धूप निकली हुई थी, गर्मी बड़ी थी। शाम हो गई है और अभी बस आया था जी छत पर और आसमान का सीन कुछ इस तरह से कितना प्यारा लग रहा है, नीला नीला और साथ में बादल भी आए हुए हैं भाई, सर्दियों वाली फील करवा रहे हैं। सिटी से जैसे ही आया था ना सोया हूँ और ऐसी कोई मस्त नींद आई है ना कमाल की, बस 1.5-2 घंटे सोया हूँ तो अभी उठा था, तो मैंने सोचा भाई व्लॉग भी एंड करना है तो फिर एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है, तो फिलहाल जो है ना वीडियो कहीं पे करते हैं खत्म। आई होप सो आज का सारा व्लॉग भी आपने किया होगा जी इन्जॉय, वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर मस्ट है, और टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना डेट्स का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।